Bạn có một thôi sẽ tìm bảo không? Chờ đang sắp. Salihat English movies. Both click on وَسِعَ كُلُّ
अब इसके बाद मैं असालिहात इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की हुई एक खुशनसीब तालिबा सना फातिमा से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत में नातिया अशआर पेश करवाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وہ جس کے لیے محفل کون سدی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کون سدی ہے فردوس پری جس کے وسیلے और
और इस आज की बैठक में तशरीफ फरमा दीगर मेहमान और सालिहा इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के हेडमास्टर मुअल्लिमात मुअल्लिमीन और अजीज तालिबान। आज हमारी सालिहा इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के लिए एक खुशी का मौका, एक तारीखी लम्हा के आंध्र प्रदेश के वजीर आला पहली मरतबा सालिहा स्कूल तशरीफ लाए हैं बहैसियत नायब वजीर आला और अपने वजीर अखिलेश महमूद। तो ये स्कूल क्या है, कैसे चल रही है, क्या उसकी रिपोर्ट है, हमारे मास्टर साहब सुनाएंगे। लेकिन आज हमारे बच्चे की खुशी का मौका इसलिए है कि आज का ज़माना कंप्यूटर का ज़माना है, हर काम कंप्यूटर से चलता है। तो हमारी बच्चियों को बच्चे के सलम ले जाने शुरू कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 22 साल का अरसा गुजारे हैं। इससे पहले भी कुछ कंप्यूटर रखे थे मगर बारिश होने पानी आकर स्कूल डूब गई, जिसकी वजह से हमको 10-12 लाख रुपये का नुकसान हुआ। कंप्यूटर भी गए, लाइब्रेरी चली गई, किताबें चले गए और लैब था वो भी चला गया। तो मैंने कहा हम परेशान हैं कि बच्चों को कम से कम कंप्यूटर की तालीम के लिए इंतजाम हो जाए। तो बड़ी खुशी है कि हमारे नायब वज़ीर आला जनाब अहमद बाशा साहब उनके खानदान की खुशी में हमारे स्कूल की खुशी को शामिल किए हैं। उनकी नवासी के जो है बर्थडे के मौके पर, उनकी पैदाइश की खुशी के मौके पर हमारे सालिहात स्कूल के बच्चे बच्चियों के लिए कंप्यूटरों का इंतज़ाम किए हैं। अल्लाह उनको जुदा कर दे। बच्ची को कभी उम्र से हैं तो आप अदा करके उसे भी एक कौम की मिलत की रहनुमा रहबर और लीडर बनाया जाता है। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ हमारे डिप्टी सी एम जनाब अहमद बाशा साहब का, उनके मुहतरम दामाद साहब कुमार साहब का और दीगर मेहमानों का कि आज हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी इस स्कूल की तरक्की के लिए और इस स्कूल के जो है इस काम के लिए तवज्जो देंगे, क्योंकि पिछले 22 साल से हम इस शिक्षा में बिल्डिंग चला रहे हैं। बच्चे परेशान, उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि आजकल दुनिया डेकोरेटेड है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंगों को देखकर जाते हैं जब स्कूल को। हमारे स्कूल को हदक से कि हमने चौदह से काम चला रखी, हाई स्टैंडर्ड है हमारे बच्चों का, टीचर्स क्वालिफाइड हो रखे हैं। आज तक ये लड़के लड़का हो लड़की हो सेट में कभी फेल नहीं हुए, हाई नंबर उसके पास हो। मुझे क्या है कि शादी पर हम तवज्जो दे रहे हैं मगर आज लोग दिल को कौन देखता है, चाहे को देखता है, लोग बिल्डिंग अच्छे होते समझते हैं कि स्कूल अच्छी है। तो हम चाहते हैं कि आइंदा कोई ऐसा रास्ता निकले कि हुकूमत की तरफ से स्कूल की बिल्डिंग के लिए चिंताओं हो सके तो हमारे बच्चों के मुस्तकबल के लिए बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा मैं हमारे नायब वज़ीर आला उनके साथ इतने वफ़ा आए हैं, उन सबका इस्तकबाल करता हूँ, उनका उम्मीद करता हूँ, उनका आना मुबारक हो। अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत से रखे, उनको उनके पूरे खानदान को अल्लाह ताला हर भला मुसीबत बीमारियों से परेशानियों से महसूस रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी हमें आप जनाब शेख इसहाक अली साहब से स्कूल के ताल्लुक से कुछ बातें जो जरूरियात से ताल्लुक रखती हैं समाप्त कर रहे थे। असल में यहाँ जिनकी निगाह में तमाम बच्चे और बच्चियां और उनकी तालीम उनकी तरबियत के हवाले से जो रिपोर्ट उनके पास होती है वो शायद किसी और के पास नहीं हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मौके से अगर इजाजत हो तो फायदा उठाते हुए मैं इस स्कूल के यानी सालिहात इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद मुनीर अहमद साहब से गुजर